दोस्तों आप लोग अपने मोबाइल में आधार कार्ड वाला साइड ओपन करते हैं और आप लोगों को यहाँ पे जो है रीलोड वाला प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे जो है अपने मोबाइल में आधार कार्ड वाला साइट को ओपन कर सकते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं अपने क्रोम ब्राउजर में आ गया हूँ और यहाँ पर माई आधार सर्च करता हूँ ठीक है माई आधार सर्च करने के बाद मैं यहाँ पर आधार में क्लिक कर देता हूँ इसमें क्लिक करने के बाद जो है रिलोड वाला प्रॉब्लम आ जाता है ठीक है और उसके बाद मैं यहाँ पर अगर यू सर्च करता हूँ यू आई डी आई सर्च करता हूँ और इसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ यू आई डी आई में तो यहाँ पर भी जो है रिलोड वाला प्रॉब्लम आ रहा है मतलब जो है आधार कार्ड वाला साइट आप लोग माय आधार खोलिए e या फिर ई आधार खोलिए या फिर यू आई डी आई खोलिए वो वाला साइट आधार कार्ड का कोई भी साइट खोलिए तो यहाँ पे आप लोगों को जो है रिलोड वाला प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा तो इस प्रॉब्लम को आप लोग जो है हंड्रेड परसेंट सॉल्व कर सकते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है ठीक है प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सर्च वाले में क्लिक करना है सर्च वाले में क्लिक करना है सर्च वाले में क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना है ठीक है सर्च करना है आप लोगों को यहाँ पे क्रोम क्रोम ब्राउज़र आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना है क्रोम ब्राउजर सर्च करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि क्रोम ब्राउजर अपडेट है कि नहीं ठीक है अगर अपडेट नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पे अपडेट कर लेना है अगर अपडेट मांगेगा तो उसके बाद आप लोगों को कुछ देर जो है क्रोम ब्राउजर में टैप करके रखना है और यहाँ पे जो है एक ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐप इन्फो ठीक है ऐप इन्फो अगर आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे जो है एक आई बटन जैसा देखने को मिलेगा ठीक है इसी आई बटन में क्लिक करना है या फिर जो है ऐप इन्फो में क्लिक करना है तो इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का ऐप इन्फो ओपन हो जाएगा ठीक है देख सकते हैं ऐप इन्फो ओपन हो चुका है उसके बाद आप लोगों को स्क्रॉल करके नीचे आना है नीचे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे जो है स्टोरेज में क्लिक कर देना है ठीक है स्टोरेज में आप लोगों को क्लिक कर देना है स्टोरेज में क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे जो है क्लियर कैच करना है ठीक है क्लियर कैच करना है क्लियर डाटा नहीं करना है क्लियर कैच करना है आप लोगों को उसके बाद आप लोगों को यहाँ से बैक आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों को फोर्स स्टॉप कर देना है ठीक है फोर्स स्टॉप में आप लोगों को क्लिक कर देना है और आप लोगों को यहाँ पे ओके में क्लिक कर देना, गर था था। गर देना है उसके बाद आप लोगों को अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है ठीक है क्रोम ब्राउजर में क्लिक करना है क्रोम ब्राउज़र आप लोगों को ओपन कर लेना है आप लोगों को क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद थ्री डॉट में क्लिक कर देना है इसमें ठीक है थ्री डॉट में आप लोगों को क्लिक कर देना है थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सेटिंग्स में क्लिक करना है ठीक है सेटिंग्स में क्लिक करना है सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद आप लोगों को स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आप लोगों को प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इसमें क्लिक करना है ठीक है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में क्लिक करना है उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो है डिलीट ब्राउजिंग डाटा इसमें क्लिक करना है डिलीट ब्राउजिंग डाटा इसमें क्लिक करना है आप लोगों को और यहाँ पर आप लोगों को जो है ऑल टाइम सेलेक्ट करना है ठीक है इसमें जो है ऑल टाइम सेलेक्ट करना है इसमें क्लिक करना है आप लोगों को इसमें क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को ऑल टाइम सेलेक्ट करना है ठीक है ऑल टाइम आप लोगों को सेलेक्ट करना है एडवांस में आकर के और एडवांस में आकर के ऑल टाइम सेलेक्ट करना है उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो है डिलीट डाटा में क्लिक कर देना है डिलीट डाटा में क्लिक कर देना है आप लोगों को उसके बाद फिर से आप लोगों को यहाँ पर डिलीट में क्लिक कर देना है ठीक है उसके बाद आप लोगों को ब्राउजिंग डाटा डिलीट करने के बाद जो है यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है और इसमें क्लिक करना है यूज सिक्योर डीएनएस ठीक है यूज सिक्योर डीएनएस में क्लिक करना है इसमें इसमें क्लिक करने के बाद आप लोगों को चूज अनोदर प्रोवाइडर ठीक है इसमें क्लिक करना है चूज अनोदर प्रोवाइडर इसमें क्लिक करना है इसमें क्लिक करने के बाद जो है आप लोगों को ये छोटा सा इसमें क्लिक करना है इसमें क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो है ओपन डी एन एस सेलेक्ट करना है ठीक है ओपन डी एन एस सेलेक्ट करना है इतना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है ठीक है बैक आ जाना है उसके बाद आप लोगों को सर्च वाले में यहाँ पे सर्च करना है पे आप लोगों को सर्च वाले में क्लिक करना है सर्च वाले में क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना है ई आधार आप लोग सर्च कर सकते हैं यू आई डी ए आई सर्च कर सकते हैं या फिर माई आधार आप लोग सर्च कर सकते हैं जो भी सर्च करना है आप लोग सर्च कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे ई यह आधार सर्च कर लिया है उसके बाद मैं आधार में क्लिक कर देता हूँ आधार में क्लिक करने के बाद जो है फाइनली आप लोग देख सकते हैं दोस्तों आधार कार्ड वाला साइड जो है ओपन हो चुका है आप लोग इसी तरी तरीके से जो है आधार कार्ड वाला साइड ओपन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं